गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चे हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होगी, हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, कोवलेंसी के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं उससे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें जितने भी कार्बन एटम हैं वो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम आएगा, सारे ही एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स है। इसमें भी स्ट्रेट चेन बन रही है कार्बन की, तो इस ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स है। इसका नाम हेक्सेन है, इसका नाम पेंटेन है। इनका नाम कैसे रखते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, इस क्लास का सॉरी। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये पेंटेन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको हेक्सेन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखिए कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स क्या करें, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। स्ट्रेट चेन फॉर्म करें वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स ब्रांचेस में आते हैं, जैसे उसमें सारे ही एक स्ट्रेट लाइन में थे, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में एक ब्रांच बन गई इसकी, कार्बन की इसने एक ब्रांच फॉर्म कर ली। ऐसे इसमें ये चार स्ट्रेट में है, साथ में एक ब्रांच फॉर्म होगी, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम आगे ब्रांच फॉर्म कर सकता है। जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं, स्ट्रेट चेन नहीं बनती, उसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसका नाम है आइसोब्यूटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये नाम कैसे रखते हैं हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और लिंक कंपाउंड कौन से होते हैं जो एक क्लोज्ड चेन फॉर्म, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करें। जैसे ये तीन कार्बन है, अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये हमने ऐसे लिखे क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे, तो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है ना कार्बन का, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, इसी वजह से इनको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। ये एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कंपाउंड्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम रिंग कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी ये मैंने कंपाउंड एग्जाम्पल्स लिखी हैं इसमें सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है हम इनके नाम कैसे लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैंने इसको पेंटेन क्यों बोला, हेक्सेन क्यों बोला, ऐसे नाम कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद रखेंगे। अब देखिए, अगर तो आपका जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ वन कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा मैथ से, M-E-T-H, मैथ। अगर टू कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा एच से। थ्री कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा प्रॉप से। फोर कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा ब्यूट से। फाइव है तो पेंट से। सिक्स है तो हेक्स से। सेवन है तो हाफ्ट से। एट है तो ऑक्ट से, ठीक है। अगर उन सारे कंपाउंड जितने भी कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम उसके साथ लिंक्ड हैं, सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उनके नाम के पीछे लगता है ए सफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड है सभी तो एन लगेगा, अगर बीच में कोई डबल बॉन्ड आ गया तो उसके नाम के पीछे ईन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नाम के पीछे
आयन बनेगा। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए समझा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक कार्बन है, उसको हाइड्रोजन सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर, तो जब एक कार्बन होती है तो उसका प्रीफिक्स आगे क्या लगता है, मेथ, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ। सभी ही सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, ए, तो इसका नाम बन जाएगा मेथेन। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं दो कार्बन ले लूं, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन के लिए नाम क्या आगे लगता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ए, इथेन। ऐसे ही अगर तीन वाला ले लूं मैं, तीन कार्बन एटम्स, ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी फोर होगी तो इसके फोर बॉन्ड्स बनेंगे हर एक। तीन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सभी तो ए, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर चार वाला ले लूं मैं, जैसे मान लो ये वाला था, यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा देते, एक दो तीन चार, चार के लिए क्या लगता है, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम पेंटेन बनाएंगे जब फाइव कार्बन एटम्स लिख देंगे, यहाँ पे हेक्सेन बनाएंगे जब सिक्स कार्बन एटम हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे तो हेप्टेन, एट हो जाएंगे तो ऑक्टेन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्केन्स। तो लास्ट में एल्केन्स के क्या लगता है, एन, ए एन ई एन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जब डबल बॉन्ड है हमारे पास, अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जैसे ये डबल फॉर्म हो गया, कितने कार्बन एटम्स हैं, दो, दो के लिए हम क्या लिखते हैं आगे, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथ। डबल बॉन्ड के लिए फिक्स क्या यूज करते हैं हम, ईन, ई एन ई ईन, तो ये बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो जो जिनमें डबल बॉन्ड होता है वैसे कंपाउंड को अगर हम कॉमनली बोले तो वो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स, जिनके पीछे एन लगता है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स होती हैं, जिनके पीछे ईन लगता है, जैसे ये इथीन। ऐसे ही अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड बना लूँ तीन वाले में, चार चार हमने बॉन्ड बनाने हैं एक कार्बन एटम के, तो तीन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप, डबल बॉन्ड आ गया बीच में तो पीछे क्या लगेगा, ईन, प्रोपीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगर चार वाला, चार कार्बन कंपाउंड्स हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो जगह पे यहाँ पे चार कार्बन कंपाउंड्स हैं तो चार के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है अगर उनके बीच में एक भी तो पीछे लगेगा इन, ब्यूटीन। ऐसे ही पेंटीन, हेक्सीन, हाप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे सारे कंपाउंड्स बनते जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं एल्काइन्स की। एल्काइन्स में क्या होता है बच्चे, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन्स। एल्काइन्स के पीछे जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो
तो स्फिक्स में क्या लगता है? आई, जैसे सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, एच एच ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन एटम है, दो के लिए एच ट्रिपल बॉन्ड है, तो पीछे लगेगा आई, ये बन जाएगा इथाइन। ऐसे ही अगर हमारे पास चार कार्बन एटम है और बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, चार के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये बन जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, अगर मान लो तीन कार्बन एटम्स है और उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तीन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक्साइन, ऐसे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, कुछ एल्केन्स के नाम लिखना, कुछ एल्कीन्स के लिखना और कुछ एल्काइन्स के लिखना, और उनकी ऐसी एक स्ट्रक्चर बना के देखना। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक एच की जगह पे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाती हैं अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।